अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी एकदम ठीक है। तो आज हम बनाने वाले हैं चना बटाटा। पहले जो मैंने बनाई थी वो ग्रीन मसाले में था, तो आज मैं बनाने वाली हूँ रेड मसाले में। तो अभी टाइम वेस्ट किए और रेसिपी बनाना स्टार्ट करते। तो चना बटाटा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे रखा एक टोप। तो पतीला गरम होने के बाद मैंने यहाँ पे इसमें डाला है तेल। तो फिर यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के प्याज को स्लाइस में काट कर डाला है। तो यहाँ पे ऑनियन को डीप फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे प्याज को गोल्डन ब्राउन करना है। तो ऑनियन हमारे डीप फ्राई हो गए, अब मैं इसे बाहर निकाल दूंगी। तो उसी ऑयल में मैंने दो बारीक कटे हुए टमाटर डाले हैं। सो टमाटर अच्छे से भुनने के बाद अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। फिर इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। फिर इसमें दो चम्मच रेड चिली पाउडर डालेंगे। तो अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो सिर्फ 1 टेबलस्पून ही रेड चिली पाउडर डालें। अब ये सब मसाले अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो अब इसमें उबले हुए चने डालेंगे जो कि मैंने 6 घंटे भिगो कर रखी थी। तो अब इसमें स्वादानुसार नमक डाला है। फिर इसे 10 मिनट पकने देंगे। तो अब इसमें उबले हुए चने का बचा हुआ पानी डाला है। तो हमें यहाँ पे चना बटाटे का पानी जो रहता है ग्रेवी वो पसंद है, इसलिए हमने यहाँ पे पानी डाला है। आपको नहीं पसंद तो आप ये पानी स्किप भी कर सकते हैं, आप ये चने को सूखा भी बना सकते हैं। तो अब इसमें 2 चम्मच बेसन डालेंगे जो कि मैंने पानी में घोल कर रखी थी। तो फिर इसमें हमने इमली का पानी डाला है और उबले हुए आलू भी हमने इसमें ऐड किए हैं। ये सबको अभी बॉईल आने तक अच्छी तरीके से पकने देंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।